सब दीदी मन के जोहार। हमार नाम सीता देवी और हम कन्नौज कर पशु सखी है किए। आर दीदी तोहिन घर तो सब पर घर छगरी मन हो नहीं, और तो सभी कोई चाहबा कि हम अपन छगरी मन के बढ़िया से देखभाल कर बढ़िया से अच्छा रख और उनके बीमार नहीं हुए देव। तो हम वही सब के बारे में कैसे रख हम इनका छगरी मन बीमार नहीं होते और अच्छा रहते से बारे में बताती है न। स्वस्थ बकरी है न दीदी, स्वस्थ बकरी और ये अस्वस्थ बकरी, ये दुयो बकरी में कुछ तो अंतर तो इनके दिशा है न दीदी। ये स्वस्थ बकरी मैंने अच्छा बकरी में बाल इकर पूरा चमकीला है न, कान सब पूरा एकदम अच्छा लंबा लंबा भी है और अच्छा भी है न। और आँख अच्छा बकरी का लालिमा हो मतलब आँख लाल रहेगा है न, और अस्वस्थ बकरी का आँख सफेद रहेगा। अस्वस्थ बकरी में ये अंतर देखा कि मैंने स्वस्थ बकरी और अस्वस्थ बकरी में का अंतर है इकर मतलब कुछ देखा था दीदी, कुछ समझा था छगरी के मैंने का होई है सके खूनी दस्त करत है ठीक ने। जे हम इन कहिए कि हगात है छगरी ने खूनी दस्त है आँख अस्वस्थ अस्वस्थ बकरी है तो इकर आँख पूरा सफेद आँख सफेद दिशत है न, और अच्छा बकरी के दी सब लाल लाल आँख दिख ले आँख में पूरा चमकीला और बाल सब में भी पूरा चमकीला। अरे कृमि कृमि है कृमि अथी के कारण दस्त हुआ था, दस्त के साथ कई बार कहीं देखा अपन अपन छतरी में सफेद सफेद कीड़ा है ने, कीड़ा तीन प्रकार पर हो सेले मने एक जैसा में कीड़ा नहीं हो गई तो बहुत जान पा रहे हैं कि हमारे छतरी में कीड़ा हो है। घोंघा से निकल के पानी में होते पानी में हो के हरा घास में किनारे किनारे तो हरा घास तो छगरी में ने कभी भी तुम खोलवा देखवा ने छगरी मैंने कूद के तो हरियरे घास दने ने जाप थू तो वह घास के जरिए छगरी का पेट के अंदर कीड़ा अंदर जाऊ और फिर वह मतलब हमेशा बकरी का जीवन चक्र है वो कृमि का कभी मतलब समाप्त नहीं होने वाला कृमि रोकथाम नहीं कर पा कृमि के दवाई खिला के तो बकरी कर पेट में हो गया। पानी स्टैंड के लिए तीन को खूटा गाड़ के तीन कोना में और ऊपर में बरात में रख के और पानी पिलाना चाहिए तालाब पर और बाहर का नदी नाला का पानी छगरी मन के नहीं पियाना चाहिए, ऊपर से भी हम इनकर छगरी मन में कीड़ा होवे कर अथी रहे ज्यादा। इससे रोजी रोटी भी चलता है, जैसे कि बकरी सब पालते हैं मुर्गी सब पालते हैं तो उससे भी कुछ आय हो जाता है, और फिर टीकाकरण डिवर्मिंग करते हैं वो सब से भी थोड़ा बहुत आय हो जाता है, उससे
कोई दिक्कत नहीं होता। फिर समूह में जुड़े हुए हैं तो समूह से भी कुछ आमदनी हो जाता है, जैसे कि कोई समय में पैसा नहीं रहा तो समूह से ऋण भी ले लिए, उससे हम लोग